हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं अधिक मा स्पेशल विष्णु प्रिय मंजू बाती मंजू बात। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कॉटन, दूध, कुमकुम और भस्म। तो मैंने इस तरह से कॉटन से ऐसे एक टुकड़ा निकाल के लिया है। इसको हम इस तरह से सारी जगह फैला के लेंगे और इस तरह से हम इसको पकड़ के एक बत्ती बना के लेंगे। तो इस तरह से हम खींच के इसका बत्ती बनाएंगे। थोड़ा भस्म लगा के इसको हम इस तरह से बत्ती बना के लेंगे। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध लगाएंगे और इसकी बत्ती बना के लेंगे। इसी तरह हमको ऐसे 11 बत्तियां बना के लेनी है। तो चलिए मैं आपको और एक दिखाती हूँ। इस तरह से आप कॉटन निकालेंगे हम, और देखिए इस तरह से कपास को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी बत्ती बना के लेंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला भी मैंने ऐसे बना के लिया है। आगे की साइड में ऐसे ही हम फिर से कॉटन लगा के इसे लंबे में बना के लेंगे। तो ये देखिए मैंने इधर टोटल 11 बत्ती बना के लिए। इसी तरह से हमको बना के लेना है। तो पहले स्टार्ट को हम ऐसे 3 बत्तियाँ एक जोड़ के लेंगे और इसके आगे के साइड में थोड़ा सा कॉटन लगाएंगे और थोड़ा दूध लगा के इसको इस तरह से ऐसे घुमा के लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से आपको बनाते हुए जाना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसको कैसे बनाते हुए दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे इधर एक जोड़ते हुए हमको ऐसे 11 इसको जोड़ के लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अधिक मास में इसको ज़रूर बनाते हैं और ये श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए अधिक मास में एक दिन तो इसको बना के विष्णु जी को इसकी जो दिया है हम लगाते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप बनाइए। तो सभी को मैंने इस तरह से जोड़ के लिया है। लास्ट को हम और थोड़ा कॉटन लेके इसका जो दिया है थोड़ा बड़ा बना के लेंगे, ताकि हमको इधर जो हमारी ये बत्ती है बड़ा बनाएंगे तो हमको दिया लगाने को आसानी होगी। इसी तरह से मैं और एक बना के लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं दूसरा भी बना के लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, टोटली 11 बनेगी। तो ये देखिए इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना के लेते हैं। तो मैंने इधर 2 बना के लिए हैं। तो चलिए अब हम दिया लेंगे और इसमें इसको डाल के लेंगे। आप इसको कुमकुम से इस तरह से इसकी पूजा करके इसे घी का दिया लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने इसको ऐसे बना के लिया है। अब चलिए इसको हम इधर लगा के देते हैं। जो तुलस की मंजरी रहती है इसी तरह से दिखता है, ये विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो चलिए दिया लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप दिया लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी जलती है हमारी दिया। इसी तरह से आप बनाइए और विष्णु जी को ये दिया जरूर लगाइए। तो मेरी ये जो मैंने दिया की बाती बनाई है आपको कैसी लगी मुझको जरूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।